लालू के लिए, उन लालू यादव के बच्चों के लिए उसका एक एक हिसाब का मतलब की देना होगा उनको। लालू को, लालू यादव को संभालने वाला शहाबुद्दीन है। जब लालू यादव जेल चले गए चारा घोटाला में, तो शहाबुद्दीन ने ही कमान संभाला और अपनी अपनी बहन या भाभी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद भी वो लोग इनके साथ इंसाफ नहीं किया, फिर भी मुख्यमंत्री बनाए। जब 2001 में सरकार गिर रही थी मैं वहाँ था। जब 2001 में सरकार गिर रही थी तो शहाबुद्दीन साहब को पहुँच गया लालू यादव कि तू मेरा छोटा भाई है, दिल्ली पहुँच गए और छोटा भाई का अगर मना लिए और शहाबुद्दीन एक लफ्ज में मान गया कि मेरा बड़ा भाई आ गया, चाहे जो भी हुआ उसे बुला जाओ और भाभी को अपना फिर मुख्यमंत्री बरकरार रखा। शहाबुद्दीन आरजेडी होगा और ये कमल पूरे बिहार की जनता करके दिखाएगी। लालू यादव इसको सिर्फ सिवान के मुसलमान इतना पूरे वर्ग के लोग हैं। शहाबुद्दीन एक मुसलमान का वर्ग नहीं है, शहाबुद्दीन एक युग है। वो युग के साथ सारे युग में लोग लगे हुए थे, ये आपको होना चाहिए। तेजस्वी यादव का इससे पहले जो उनकी दशा थी, अभी जो 80 विधायक ले लिए ना, इससे पहले उनका क्या दशा था याद कर लीजिए, उससे भी बदतर दशा हो जाएगा। ये आज राज्यसभा भेज रहे हैं ना, अब खुद राज्यसभा जाने के लिए उनको नहीं जा पाएंगे, उतना उनका टिकट सीट नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा इस मेरे बात, अभी आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रोड पे आ जाए, भागना पड़ेगा, पटना छोड़ देंगे, फुलवरिया में रहना पड़ेगा, लुका के छिपा के एकदम छिप के रहना पड़ेगा फुलवरिया में। और नहीं होगा लो तो दूध बेचेंगे, दूध हम आपके चैनल पे कह रहे हैं कि दूध बेचेंगे। और ये जो लंदन का झंडा है नो, पूरे बिहार में हमारे माध्यम से लगेगा, लालू के परिवार के माध्यम से नहीं लगेगा। यानी झंडा लंदन का मेरे माध्यम से लगेगा, बस मेरे माध्यम से लगेगा। मान्य है ना साहब के परिवार के नाम का होगा, बिल्कुल बिल्कुल पूरे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, हेना साहब के साथ हैं और बिल से और शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून से अपने ब्लॉक से राष्ट्रीय जनता दल को सीजा है। आज लालू यादव अपने होश में आया है, टोटल समझ जाए तेजस्वी यादव बच्चा थे, उस समय बच्चा थे 2004 से पहले, वो उधर क्रिकेट खेलते थे, उनको क्या मालूम है हमारे पापा को किसने सजाया, हमारे माँ को मुख्यमंत्री किसने बनाया, उनको ये मालूम होता पिछला कहानी जानते तो आज दौड़े हुए आते हैं ना साहब के कदमों में। आज कहते मैडम हमने आपको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर दिया है, तो हमसे गलती हुई है, हमको माफ कर दीजिए, आप ही हमारी गार्जियन है। लेकिन इन्होंने जो गलती किया है इसका अंजाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। ये भी क्या है नो, 80 करोड़ में बिका है, माने 80 करोड़ में बिक गया है और बाबा सिद्दीकी से 70 करोड़ का मंग था, एकदम बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव लंदन चले गए थे घूमने, हनीमून मनाने के लिए गए थे नो, अभी नई नई शादी हुई है, कल जाके बीबी को बोलेंगे राज्यसभा भेजेंगे, इसके मालिक तो हम हैं। अभी बोले तेज प्रताप लड़ाई कर रहा है, कोई को रेकअप कर, अभी सब एक ही साथ नॉमिनेशन में जा रहा है, तो पब्लिक को जनता को छुट्टियां बनाइएगा आप, अब जनता समझने वाला नहीं है, अब ये 3800 जिला का भ्रमण करेंगे और लंदन का झंडा हमारे हाथ में होगा, तेजस्वी सब लोग ले लेंगे।